हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीक्रेट ग्लैम गर्ल्स। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्लैमरस नाइट पार्टी आई मेकअप लुक, और ये बहुत ही अच्छा लुक है। पहले मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया है, मैंने पर्पल की प्राइमर यूज़ किया, इसे मैं अच्छे से अपने आईज पर लगा लूँगी। ये लुक अचीव करना बिल्कुल आसान है, ये एक स्मोकी ब्लैक आई लुक है। एंड देन मैं एसक्यू की लिक्विड कंसीलर लेकर के इसे अच्छे से लगा लूँगी। एंड देन इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्यूटी स्पंज से। एंड देन लैक्मे के पाउडर से मैं इसे अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी के पैलेट से ये ब्राउन शेड लेकर के इसे क्रीज लाइन पे लगाऊंगी अच्छे से। इसे मैं बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ कि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। एंड देन अब ये ब्राउन शेड लेकर के इसे भी मैं अच्छे से अपने क्रीज लाइन पे लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे ब्राउन शेड लेकर के इसे भी लगा ले रही हूँ। आपको बिल्कुल अच्छे से ब्लेंडिंग करना है कि सारे कलर अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल ही पैची लुक ना दे। और ये बिल्कुल सेटल स्मोकी आई मेकअप है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड देन मैंने ब्लैक शेड लेकर के इसे आउटर वी से लेते हुए पूरे क्रीज लाइन तक अप्लाई किया है। मैंने मार्स के आईशैडो पैलेट से ये कलर लिया था। इसे मैं बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। एंड देन मैं इसे फिंगर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि फिंगर की मदद से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और पिगमेंटेशन भी अच्छी आती है। एंड देन अब मैं यहाँ पे जेल आईलाइनर लेकर के इसे आईलाइनर की तरह लगा ले रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड ही लगाऊंगी। एंड इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करते जाऊंगी। मैं आईलाइनर को बस स्मोकी इफेक्ट देने के लिए आईलाइनर जैसा लगा रही हूँ। एंड देन मैं इसे अच्छे से अपने हाथ की मदद से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी कि मुझे एक बिल्कुल अच्छा सा आईलाइनर का इफेक्ट मिल जाए स्मोकी टाइप में। आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाना, इससे आई लुक बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की आईशैडो भी लेकर के अपने फिंगर पर इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ कि वो लाइन ना दिखे आईलाइनर की, बस वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एंड देन अब लोअर लैश लाइन पे मैंने सेम शेड लेकर के उसे भी लगा लिया है और मैंने सेलो टेप हटा दिया है। एंड देन अब यहाँ पे मैं NYB की काजल लेकर के इसे लगा ले रही हूँ। एंड देन हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे SQ की लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया है और इसे मैं अच्छे से लगा लूँगी। एंड देन मैंने मस्कारा लगा के फॉल्स आईलैशेस लगा ली, और ये हमारा आई लुक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।